मेरी सभी प्यारी बहनों और भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुपर कलौंजी मसाला उत्तर भारत का पारंपरिक मसाला है, ट्रेडिशनल मसाला है और यह मल्टीपर्पज है। इसके कई सारे उपयोग हैं। इससे कई प्रकार की भरवा सब्जियां बनाई जाती हैं, कई प्रकार की भुजिया सब्जियां बनाई जाती हैं और कई प्रकार के अचार भी बनाए जाते हैं। इससे बनने वाली सभी प्रकार की सब्जियों और अचार का सुगंध और स्वाद लाजवाब होता है और यह भरपूर पौष्टिक भी होता है, क्योंकि इस मसाले की क्वालिटी को पूरी तरह बनाए रखने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे यह घरेलू पद्धति से बनाया जाता है, बेहतरीन गुणवत्ता वाले मसालों को चुना जाता है, स्वच्छता और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है और इसे उचित तापमान पर उचित समय तक भुना जाता है। इसलिए आपको इस मसाले को भूनना नहीं है। आपकी सुविधा के लिए इसमें मीडियम टेस्ट के अनुसार नमक और मिर्च भी मिलाया गया है, अमचूर भी मिलाया गया है। इसलिए पहले इस मसाले को इसी रूप में सब्जियों में इस्तेमाल करें और सब्जी को टेस्ट करें। यदि आपको नमक या मिर्च कम लगे तो अपने स्वाद के अनुसार सब्जी में थोड़ा और छिड़क कर मिला सकते हैं या मसाले का दोबारा उपयोग करते समय मसाले में मिला सकते हैं। यह पूरी तरह से तैयार मसाला है। इसका उपयोग करने से पहले आपको इसमें सिर्फ लहसुन पीसकर मिलाना होगा। लहसुन के अलावा और कोई वस्तु ना मिलाएं। मसाला यदि 50 ग्राम है तो 3-4 कली लहसुन मिलाएं, या आपको लहसुन की मात्रा इससे कम या अधिक चाहिए तो कम या अधिक भी मिला सकते हैं। और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ना मिलाएं, मगर लहसुन के भी इस मसाले से बहुत ही जायकेदार सब्जी बनती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इस मसाले में पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पानी मिलाने से स्वाद कम हो जाता है। मसाले में लहसुन मिलाने के लिए एक छोटा प्लेट ले लें और मिक्सर का छोटा जार ले लें। इन दोनों में यदि पानी लगा हो तो कपड़े से पोंछ कर अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद लहसुन छील कर लहसुन के कलियों के बारीक बारीक टुकड़े करके मसाले में मिक्स करके जार में डालें, ढक्कन लगाएं और मिक्सर को 20 से 25 सेकेंड के लिए चालू करें। उसके बाद मिक्सर बंद करें, जार का ढक्कन खोलकर चम्मच की सहायता से मसाले को जार के तले तक खरोंच कर अच्छी तरह चलाएं। इसके बाद फिर से ढक्कन लगाएं और मिक्सर चालू करें। इस प्रकार 3-4 बार करने से लहसुन अच्छी तरह पिस जाएगा और इसके बाद मसाले को प्लेट में निकालकर हाथ से मसलकर अच्छी तरह मिला लें। लहसुन मिलाने का एक दूसरा तरीका भी है। लहसुन को खल दस्ते की सहायता से बारीक बारीक कूटकर मसाले में डालकर हाथ से मसलकर अच्छी तरह मिला लें। अब सुपर कलौंजी मसाला उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा और यह दिल से कामना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।